الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يقول في ذكر ما يكون يوم القيامة من الأمور، وله في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. मेरे दीनी भाइयों और वो कलील तादाद जो मेरे दुरूसे अकीदा वासितिया की मुताबात करने वाले हैं, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्ला ईमान बिल यौमिल आखिर जैसे रुकने ईमान के हवाले से उस दिन जो कियामत कुबरा का दिन है पेश आने वाले उन तमाम उमूर का तज़किरा फरमा रहे हैं अपनी इस किताब में, जिनकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और उन्हीं में से एक अज़ीम अम्र, एक बहुत बड़ा मसला जो दिन कयामत के पेश आएगा, मसले शफाअत नबवी इंदल्लाह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पास शफाअत करेंगे। शेख इस्लाम इब्न तैमिया जो उमूरे अकीदा के बहुत बड़े आलिम बसीर फकीह और हद दर्जा इल्म मारिफत रखने वाले हैं और उनकी इबारतें हद दर्जा बिहम्दिल्लाह व फज़लिही व तौफीकिही दकीक होती है और उसमें बड़ी जामियत होती है। उन्होंने यहां इस मसले शफात का जब जिक्र किया
तो उसको यूं शुरू किया के वलहू फिल कियामति सलासु शफाअत, कि कियामत में उनके यानी नबी रहमत रसूल खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीन शफाअतें होंगी। और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊं अभी से कि इन तीनों शफाअतों को तरतीब के साथ शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह ने बयान किया है। कब्र इसके कि मैं उन शफाअतों का जिक्र किताब की तरतीब के मुताबिक करूं, आपको यह बता दूं कि शफाअत का माना क्या है। लुगवी और शरई दोनों एतबार से मफहूम शफाअत का क्या है, और साथ ही साथ ये भी बता दिया जाए कि शफाअत एक बहुत बड़ा मसला है कि जिसमें इख्तिलाफ और निज़ा काफी पाया गया है। इसलिए शफाअत के अक्साम व अनवा को जानने समझने की जरूरत है, और हकीकी मानो मफहूम शफाअत का क्या है इसको अगर बंदे मोमिन जान ले तो वह इस मसले में वलालत और इनहिराफ का शिकार न हो। इसलिए कुछ बातें बुनियादी तौर पर हमें समझने की जरूरत है, जिसका जिक्र मैं यूं करना चाहता हूं कि शफाअत के माने लुगवी होते हैं असलन तलब करने के, दुआ करना भी माना होता है। शफा यशफो के माने जोर करने के भी होते हैं, जुफ्त बनाने का भी माना होता है, और वो शफात के लोही माने के एतबार से यूं कि असल तालिब एक होता है, और जब उसकी तलब में किसी और की शमूलियत यूं हो जाती है कि वो उसके लिए उसी बात को मानने कबूल करने की बात कहता है, तो गोया उस एक तालिब को वो जो वित्र है अकेला है उसको जौज या शफा दो एक सजाई बना देता है, और इसीलिए शफी को शफी और शाफे कहा जाता है। वैसे बाब उलमा ने यूं भी तारीफ की है शफात की कि शफात के माने होते हैं नफा पहुंचाने की खातिर, नुकसान से बचाने के लिए वासिता बनना, और यूं शफात
को शफात कहने में यह बात गोया होती है कि कोई शख्स या अशखास उन्हें फायदा पहुंचाना मकसूद है, उनसे किसी नुकसान का इदारा मकसूद है, तो उसके लिए आदमी अपने आप को वासिता बनाता है ताकि उसे फायदा मिल जाए, उसे जरर से बचा लिया जाए, इसी को शफात कहा जाता है। जबकि शफात का शरई माना और वो शफात जो हमारी बहस वाली शफात है, उसका मतलब है कि शफात उसे कहते हैं कि जो अल्लाह के यहां शर्तों के साथ पाई जाएगी और इस तरह से मशफू लहुम को अल्लाह ताला नफा देगा, मनफात उन्हें मिलेगी और मवर्रत उस मकाम की मवर्रत दर्जा बदर्जा जिन उमूर में शफात होगी उनसे उनको बचा लिया जाएगा, इसी को शफात शरईया कहा जाता है। एक बात यह भी याद रहे कि शफात के मुख्तलिफ हैसियात से अलग अलग तकसीम, शफात की एक तकसीम यह है कि शफात की दो किस्में, एक शफात बातिला और एक शफात सहीहा। शफात बातिला वो है जिसका एतकाद इस दुनिया में मुशरिकीन रखा करते हैं कि जिनका तरीक यह रहा कि अल्लाह ताला के अलावा अपने हाथों से गढ़े हुए असनाम व औसान या बिला सुल्तान किसी मिन दूनिल्लाह की उन्होंने इबादत की और यह समझा कि ये अल्लाह के नजदीक हमारे लिए शुफा सिफारिशी शफात करने वाले बनेंगे। ये शफात बातिला कि जिसका एतकाद कुफार व मुशरिकीन रखा करते थे और यूं कहा करते थे कि हाउला शुफाउना इंदल्लाह, कि यह हमारे माबूद जिनकी हम दूनिल्लाह इबादत करते हैं ये अल्लाह के नजदीक हमारे शुफा होंगे। इसी बात को तो सूरह ज़ुमर में यूं भी बयान किया है कि वह यूं कहते थे वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनी मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, तो ये शफा जिसका एतकाद अहले कुफ्र व शिर्क अहले जाहिलियत अरब के मुशरिकीन रखते थे ये शफात शफात बातिला और एक शफात शफात सहीहा, और शफात सहीहा उसे कहते हैं जो अल्लाह ताला के नजदीक शफात की शर्तों की रोशनी में होगी,
यानी अल्लाह की इजाजत के साथ वो अल्लाह की मर्जी की रोशनी में इसको सफाते सहीहा कहते हैं। इसी बात के लिए लफ्ज दूसरा भी इस्तेमाल होता है कि शफात की दो किस्में हैं, एक शफाते मनफिया और एक शफाते मुस्बता। एक ऐसी शफात कि जिसका इनकार किया गया है और जिसकी नफी की जाती है कि वो शफात नहीं मोतबर और नहीं सही नहीं दुरुस्त, और ये वही है जिस शफात का एतकाद अहले शिर्क व कुफ्र अपने आलिहे बातिला अपने असनाम व औसान और अपने हाथों तराशे और गढ़े हुए माबूदान के मुतालिक रखते थे और ये कहते थे कि हाउला शफाउना इंदल्ला, जबकि शफात मुस्बता यह है कि यह एतकाद रखा जाए कि शफात का मालिक अल्लाह, किसी की मजाल नहीं कि अल्लाह के नजदीक शफात कर सके मगर उसकी इजाजत के साथ। और याद रहे कि शफात मुस्बता मुतबरा सहीहा के लिए कुछ शुरूत, और वो शुरूत है जिसको बाज लोगों ने कहा कि उसकी दो शर्तें हैं, और बाज ने तफसील किया उसी बात को कहा उसकी तीन शर्तें हैं। पहली शर्त यह कि अल्लाह ताला की इजाजत तो मशीयत, और दूसरी शर्त है अल्लाह ताला की खुशनुदी उसकी रजामंदी। और यह रजामंदी खुद शफात करने वाले से रजामंदी कि उससे राजी हो कि उसको शफात के लिए इजाजत दे और राजी रहे उससे, और मशफूल लहू से भी रजामंदी कि जिसके हक में शफात की जानी है उससे भी अल्लाह राजी और खुश रहे। और इसीलिए तीन कहने वाले यूं कहते हैं कि इज्न, और दूसरा नंबर शाफे से रजामंदी, नंबर तीन मशफूर लहू से रजामंदी। और जिसमें यह शुरूत पाई जाए उसी को शफाअते मुस्बता कहा जाता है। दलील कुरान करीम की मुतअद्दिद आयतें हैं और उन तमाम आयतों में इन शुरूतें सलासा का या बुनियादी इजमाली तौर पर दोनों शर्तों का यकीनन जिक्र मौजूद है, और वह है आयतें ये। आइए सूरह मरियम की आयत पढ़ें, वला यमलिकून शफात इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान अहदा। इसी तरह सूरह ताहा की आयत यौमइज़िन ला तनफ़ऊ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व रज़िया लहू क़ौला। इस आयत करीमा में वाज़ेह तौर पर दो शर्तों का जिक्र है, इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, अल्लाह ताला के इज़्ज़त से जो शफात होगी, वह रज़िया लहू क़ौला में अल्लाह ताला की रजामंदी का जिक्र है। इसी तरह से सूरह बकरा की आयते कुर्सी
कहता है मन वल्लभ यशोन्दु इल्ला बी इज्ने, इज्न का जिक्र है इसमें, सूरह नजम की आयत करीमा है कम मिन मलकिन फिस समावात ला तुग्नी शफातुहुम शैया इल्ला मिन बाद अन यअذن الله لمن يشاء ويرضى। तीनों ही तफसील के साथ जो शुरू बताई गई है उन तीनों का जिक्र इसमें हकीकत में है। तो यह है शफात मुस्बता। और एक बात याद रहे कि शफात एक दुनिया भी होती है और दुनिया के अंदर होती है, और एक शफात आखिरत में होगी, दुनियावी शफात और आखिरत वाली शफात, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हत्ता कि और ये भी कि आम लोगों की शफात दुनिया के अंदर, जिसमें एक मखलूक की मखलूक के लिए और मखलूक के बाद शफात होती है, और आखिरत वाली शफात मखलूक शाफे होगा, मशफू लहू भी मखलूक होंगे लेकिन मशफू इंदहू जिसके पास शफात की जाएगी वो अल्लाह रब्बुल समावाति वल अर्ज व मा बैनहुमा रब्बुल आलमीन अल कादिरुल वाहिदुल कहार होगा। लिहाजा दुनियावी शफातों को आखिरत की शफात पर कयास भी नहीं किया जा सकता है। और यही फिरके वाला में से जो शिर्क और बिदआत बिदआत मुगल्ला के अंदर गिरफ्तार हैं, मसलन दिल दादगानी तसव्वुफ कबूरी ईन बरे सगीर के फिरके बरेलविया और जो भी उनके मौकिफ मनहज को इख्तियार करने वाले हो कसे बाशद, इनको यही वहम रहा कि जैसे दुनिया के अंदर शफातें होती हैं कि एक किसी दूसरे के पास किसी के लिए शफात करता है, जिनके अपने जाहो मनसब वो मरातिब वो मनाजिल होते हैं जैसा कि होते हैं, इसी को गोया उन लोगों ने अपने वाम के मुताबिक उखरवी आलम में होने वाली शफात को समझ लिया और यह समझा कि जो हमारे अपने ख्याल के मुताबिक अपने वाम के मुताबिक मिन गैर दलील वला बुरहान जो भी हमारे बड़े हैं, जो जाह वाले हैं, जो मनसब वाले हैं, जो मर्तबो मंजरत वाले हैं, वो अल्लाह ताला के नजदीक हमारी शफात करेंगे या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनके अपने फवाइल हैं और वो इतने बड़े हैं कि बस है। वो हमारे लिए जैसे दुनिया के अंदर लोग एक दूसरे के लिए शफात करते हैं, वो हमारे लिए शफात करेंगे ही हर हाल में, जैसे कि दुनिया में शफातें होती हैं। और इसीलिए गुमराही का ऐसा शिकार हुए कि उन बुनियादों पर निगाह न रखी कि जिनकी बिना पर आखिरत वाली शफात होगी। तो यह है कि किसके लिए होगी, उसकी क्या शर्तें हैं और मजमूरी तौर पर यह कि शफात के हाँ स्रोत क्या हैं, उस पर उनकी निगाह ही न रही और असल झोल यही रहा कि उन लोगों ने आखिरत की शफात को किताब सुन्नत के दलाइल की रोशनी में नहीं बल्कि दुनियावी उमूर में होने वाली बाहमी मखलूकात के दरमियान की शफातों पर प्रयास करना चाहा है। और मैं समझता हूं कि इस पर तुम्हीली बातें कयामत के दिन होने वाले शफाआत के सिलसिले में और उसको समझने के सिलसिले में काफी मुआवन मददगार हो सकती हैं। तो हर यहां पर शेखुल इस्लाम ने तैमिया ने
शफात की बहस को बयान किया है कि योम आखिरत के मुतालिका उमूर में एक अम्र अमरे शफात भी है कि जिस पर ईमान रखना ये ईमान बिल योम आखिर के अंदर दाखिल और शामिल है। और वो इसलिए कि यह शफात जिसका जिक्र मकसूद है वो कयामत के दिन वाके होगी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन कयामत के दिन कयामत के आसात में और उसके अंदर तीन शफातें हासिल होंगी। और याद रहे कि उन तीनों का बयान शेख इस्लाम इब्न तैमिया ने तरतीब के साथ किया है जिसको जिक्र किया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक नुक्ते की बात यह समझ लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरोज़े कयामत जो शफ़ातें हासिल होंगी उनमें से एक वो है कि जिस पर तमामीये उम्मत और उसके तमामीये फिरक के नजदीक मुत्तफक अलैह है, जैसे कि शफाते उज़्मा, शफाते कुबरा व मकामे महमूद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन हासिल होगा और अल्लाह के नबी तमामीये अंबिया के शफाते उज़्मा से अपने आप को उसका अहल न होने का जिक्र करते हुए किनारा कष्ट होना, यहां तक कि मुआमिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि मैं उसका अहल हूं, अना लहा और आप शफात करेंगे के लोगों के दरमियान फैसला किया जाए, उनका हिसाब व किताब किया जाए और मौकिफ के तवील वकूफ और उसकी शिद्दतों और सख्तियों से उनको निजात और छुटकारा मिले। और एक शफात या कुछ शफातें ऐसी हैं कि जो मुख्तलफी, मसलन अहले सुन्नत वल जमात ताइफे मंसूरा अहले हदीस हर उस शफात नबवी को मानते हैं जो मुदल्लल तौर पर आपके लिए साबित है, खा वो शफात उज़्मा हो या शफात ले अहले जन्ना फी दुखूलहिम जन्ना अहले जन्नत के जन्नत में जाने से मुतालिक शफात हो। ऐसे ही एक शफात जो शफातो नबी, शफात नबी ले अहले कबाइर कहा जाता है, उसको भी हमारे सुन्नत वल जमात मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, काबिल उसका एतकाद रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अहले तौहीद उसात वो गुनहगाराने उम्मत के लिए शफात करेंगे, जैसा कि तफसील से इसका जिक्र आएगा कि जिन तीन शफातों का इजमाली तौर पर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने यहां जिक्र किया है उनमें से पहली शफात शफात उज़्मा है, दूसरी शफात दुखूल जन्नत के लिए शफात है ताकि अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो, और तीसरी शफात है शफात नबी गुनहगाराने उम्मत के लिए, बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करने वाले
मुमिनीन मुवहिदीन के लिए कि जिन्होंने ईमान और तौहीद के साथ आमाल में यह खता की कि उन्होंने कबाइर का भी इंतकाब किया और बगैर तौबा के उनका इंतकाल हुआ। तो याद रहे कि अहले कबाइर जो नार के मुस्तहिक हो चुके होंगे या जो नार में दाखिल कर दिए गए होंगे उन तमाम के लिए भी अल्लाह के नबी सल्लम अल्लाह ताला की इजाजत से और उसकी मर्जी से शफात करेंगे। और यही वो शफात है कि जिसका इनकार और जिसकी नफी फिरका वाला में से कई एक खवारिज मोतदिला वईदिया हबूरिया वगैरह ने किया है, जबकि अहदीस नबविया सहीहा में दलाइल की कसरत है कि जिससे यह साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लम मुर्तकिबीने कबीरा हत्ता की जहन्नम रसीद गुनाहगाराने उम्मत मुहम्मद के लिए भी शफात करेंगे और आपकी शफात से उनको फायदा पहुंचेगा, जैसा कि और मजीद मुफस्सल अगले दुरूस में बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारह हमें इन मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर मैं इसी मसले को और बिलखसूस तीनों शफाअतों को तरतीब वार कल के दर्स में बयान करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से तौफीक का तालिब हूँ। वसल्लल्लाहु अला النبي وسلم